लोग आस्था का महापर्व छठ देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। दिल्ली समेत कई राज्यों में छठ पर्व पर भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं का हुजूम घाटों पर पहुंचा। इसी के साथ चार दिनों तक चलने वाले इस महापर्व का समापन हो गया है। इस दौरान कई राज्यों में अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। भगवान सूर्य को समर्पित छठ पूजा का महापर्व पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। राजधानी दिल्ली, बिहार समेत अन्य राज्यों में छठ पर्व के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने घाट पर उगते सूर्य को अर्घ दिया। छठ पर्व के अंतिम दिन हजारों श्रद्धालुओं दिल्ली में स्थायी घाटों और अस्थायी तालाबों में सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए उमड़े। कोविड के कारण पिछले 2 सालों से लागू पाबंदियों के कारण इस साल लोगों में पर्व के प्रति बहुत उत्साह देखा गया। दरअसल छठ पूजा दिवाली से 6 दिन बाद होती है। वहीं पटना में गंगा किनारे और राज्य के अन्य नदियों और तालाबों के किनारे पानी में खड़े होकर उदय हो रहे सूर्य को अर्घ देने के बाद पारण के साथ सम्पन्न हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बनाए गए जलकुंड में अपने परिवार के व्रतियों के साथ उदय हो रहे भगवान भास्कर को जल अर्पित करते दिखे। इस मौके पर उन्होंने राज्यवासियों के सुख शांति और समृद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की। छठ का त्यौहार भारत के कई हिस्सों में मनाया जाता है, खासकर बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे बड़े ही उत्साह के साथ मनाया जाता है। छठ पूजा में सूर्य भगवान और माता छठी की पूजा की जाती है। इस पर्व में 36 घंटे का व्रत रखा जाता है, जिसकी शुरुआत नहाए खाए के साथ होती है। उसके बाद खरना, संध्या अर्घ और आखिरी दिन उषा अर्घ दिया जाता है।